नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ब्रह्मांड का अपराधी, जो कि परमाणु और तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। रॉकेट के संबंध में हमारी पृथ्वी के सभी वैज्ञानिकों की एक ही पंक्ति है। उसमें एक फ्यूल टैंक ऊपर जाने की ऊर्जा प्रदान करने के लिए भरा हुआ होता है, एक नीचे आने के लिए भरा होता है। एक फ्यूल सिर्फ ऊपर ले जाता है और एक सिर्फ नीचे लाता है। संयोग की बात है कि एलियन का रॉकेट भी हमारी वैज्ञानिक पद्धति से ही बना हुआ है। फर्क ये है कि इसमें फ्यूल टैंक की जगह पावर बैटरियां लगी हुई है। इस रॉकेट को ऊपर ले जाने वाली पावर बैटरी को मैंने नष्ट कर दिया है। इसी के साथ नीचे ले जाने वाली बैटरी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। एलियन के इसी रॉकेट की मदद से मैंने एलियन से निपटने का उपाय सोच लिया है, लेकिन उस उपाय पर तभी काम किया जा सकता है जब मुझे इस रॉकेट से अलग कर दिया जाए। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है इसे मेरे ये परमाणु छल्ले अंजाम दे देंगे। आकाश में होने की वजह से जिन्हें मैं छोड़ने के लिए आजाद हूं। जल्दी करो परमाणु, अब जमीन हमसे ज्यादा दूर नहीं रह गई है। काम बस हुआ ही समझो। हो गया, अब तुम्हें इस रॉकेट को नियंत्रित करना है उस एलियन की तरफ, और इस बात का ध्यान रखना है कि उस एलियन के चेहरे का शीशा इसका निशाना बने। समझ गया? ऐसा ही होगा। और परमाणु ने अपनी रस्सी की परमाणु रस्सी की सहायता से उस रॉकेट को नियंत्रित किया और वैसा ही हुआ। बड़ो, और उसके बाद जो हुआ वो ठीक वैसा ही हुआ जैसा तिरंगा ने सोचा था। एलियन धराशायी हो गया। हमने एक परग्रही को चित कर दिया, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध करके पता लगा सकते हैं कि ये किस ग्रह से आया था। लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। यह सिर्फ एक खोल साबित हुआ है, एक ऐसा खोल जिसे किसी एलियन ने पहन रखा था या किसी और ने, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, एक लंबी खोज करके शायद कुछ पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इस खोल में हमें थोड़ी राख मिली है। वैसे एक बात पक्की है, ये खोल जिस धातु का बना हुआ है वो इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। हमें इस धातु की जांच करनी है कि वो ब्रह्मांड के किस कोने में पाई जाती है। अचानक परमाणु चौंक पड़ा। ओह, क्या हुआ परमाणु? खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा। मेरा निर्माता मुझे उस खतरे को आगाह कर रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे उससे निपटने जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वो खतरा आकाश की अनंत ऊंचाइयों में मौजूद है। अद्भुत था वो खतरा। ओह, दूसरे ग्रह की उड़न्त स्तरियां पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई, मुझे उन्हें रोकना होगा। ओह, जैसे ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, वैसे ही इन्होंने मुझ पर हमला बोल दिया है। इसका मतलब इनके इरादे अच्छे नहीं। ये पृथ्वी पर हमला करके उसे खत्म करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझ पर पृथ्वी की रक्षा का दायित्व है। परमाणु ने परमाणु छल्लों का तूफान सा ला दिया वहां। धरती की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को उस तूफान ने अपने आगोश में समेट लिया। बड़ूं बड़ूं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ परमाणु ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ूं बड़ूं। ओह, मेरे ढेरों परमाणु छल्ले और उड़न्त स्तरियों के फूटने से यहाँ जबरदस्त एटॉमिक रिएक्शन शुरू हो गया है। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो यह रिएक्शन मुझे भी अपनी चपेट में ले लेगा। बड़ूं बड़ूं। ओह, पीछे जबरदस्त एटॉमिक धमाके होने शुरू हो गए हैं। शुक्र है ये धमाके पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में हो रहे हैं, नहीं तो ये पृथ्वी के बड़े भाग को तबाही करके रख देते। परमाणु ने पृथ्वी को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। कुछ पृथ्वीवासियों को छोड़कर ये बात किसी को मालूम भी नहीं थी, और बाकी पृथ्वीवासी ये सब जान भी नहीं पाते। अगर
उनका इस आश्चर्य से सामना नहीं हुआ होता। आपके ग्रह के एकवासी परमाणु की वजह से सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद बिलोका नामक एक ग्रह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड न्यायाधीशों ने अपनी जांच में परमाणु नामक पृथ्वीवासी को कसूरवार पाया है। परमाणु ब्रह्मांड का अपराधी है, उस पर ब्रह्मांड की अदालत में मुकदमा चलेगा। इसके लिए ब्रह्मांड अदालत का एक यान कल रात पृथ्वी के दिल्ली शहर में परमाणु को गिरफ्तार करने पहुंचेगा। पृथ्वी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालने वालों को आदेश दिया जाता है कि परमाणु को ब्रह्मांड अदालत के रक्षकों के हाथों सौंप दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह ब्रह्मांड अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा, जिसकी सजा के रूप में पृथ्वी को हर तरफ से घेरे खड़े ब्रह्मांड अदालत के यान पृथ्वी को समाप्त कर डालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अभी भी शक क्यों है, जबकि इस रहस्यमय ब्रह्मांड न्यायाधीश की आवाज अपने कानों से सुन रहे हो और अंतरिक्ष में पृथ्वी को घेरे खड़े सैकड़ों यानों को अपनी आंखों से देख रहे हो। यह सब किसी की चाल भी तो हो सकती है। अगर बात पृथ्वी के ही किसी दृश्य की होती तो हम ये बात भी मान लेते, लेकिन इस समय हम जो देख रहे हैं उसे हमारे वो सैटेलाइट दिखा रहे हैं जो सैकड़ों मील ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद हैं। कोई उन सैटेलाइट से भी खिलवाड़ कर सकता है, ये भी सोचना बेवकूफी है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें परमाणु को उनके हवाले कर देना चाहिए अगर हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो। क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ब्रह्मांड अदालत वाले हम पर हमला करने के लिए जिस जगह मौजूद हैं वहां पहुंचने के लिए हमें कई वर्ष लग जाएंगे, जबकि हमारे पास केवल एक दिन का है। हमारे पास समय केवल एक दिन का है। वैसे भी हमारा उनसे मुकाबला करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर परमाणु ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हमें उसे ब्रह्मांड की अदालत में भेजना ही चाहिए। हम एक परमाणु के लिए पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं। अगर वाकई में कोई ब्रह्मांड की अदालत है तो मैं उसमें हाजिर होऊंगा। परमाणु की इस स्वीकृति ने परमाणु के चाहने वालों के कलेजे हिला दिए। हे ईश्वर, ये हमारे सुपर हीरो परमाणु को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। या अल्लाह, हमारे परमाणु को इस कुफर से बचा। हे भगवान, ये सब किसकी चाल हो, सब कुछ एक धोखा साबित हो। लेकिन वो सब ना किसी की चाल थी और ना कोई धोखा, ये बात जल्दी साबित हो गई जब ब्रह्मांड अदालत का यान अपने उस अपराधी को लेने पहुंचा जो था परमाणु, और उसको लेकर अपने साथ उड़ चला आकाश की ओर। जल्दी ब्रह्मांड अदालत में ब्रह्मांड न्यायाधीशों के सामने मौजूद था परमाणु। ये ब्रह्मांड अदालत तुम्हें मृत्युदंड सुनाती है। परमाणु ने विरोध नहीं किया। परमाणु विरोध करने की स्थिति में था भी नहीं, लेकिन फिर भी परमाणु के मृत्युदंड का विरोध हुआ। अंतरिक्ष में लगी ब्रह्मांड अदालत में परमाणु के मृत्युदंड का विरोध करने वाला ये कौन था? कौन हो तुम? ओ, जिसे अन्याय पसंद नहीं, ना पृथ्वी की अदालत में और ना ब्रह्मांड की अदालत में। परमाणु के साथ इसे भी खत्म कर दो। धाड़! मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी को पृथ्वी की हर हथियार से सुरक्षित बनाया गया है, और ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा जीवन मिला ही नहीं जो उस बॉडी की काट बना सके। इस लड़ाई में तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए परमाणु। अपने मददगार की इस हरकत को देखकर हतप्रभ रह गया परमाणु। ज्यादा देर उस स्थिति में खड़ा नहीं रह सका। तुरंत ही अपने मददगार के साथ लड़ाई में शामिल हो गया परमाणु। जल्दी! दोनों ने पासा पलट दिया। ओह, अब हमारा यहां ठहरना ठीक नहीं, भागो यहां से। कहां भागे जा रहे हो? रास्ता साफ नहीं है। आखिर कौन हो तुम? कमाल है, तुम ही मुझे नहीं पहचानते, डीआरजे, जबकि
तुम ही मुझे पता नहीं किस ग्रह से पकड़कर लाए थे। खैर छोड़ो, तुम ही बताओ। इसे रत्न डागा आखिर तुम्हारे कहने पर ही तो इसने मेरे अस्तित्व का निर्माण किया था। जी आर जे यानी रत्न डागा। ओह मैं पहचान गया तुम्हें, तो तुम हो तिरंगा। वाह ओ तुम यहां इस रूप में। बताता हूं, पहले इसे दोबारा अपने चेहरे पर लगा लूं क्योंकि यहाँ का वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं है। जिस समय हम दोनों परग्रही के इस खोल की जांच करवाने के लिए साइंस लैब में मौजूद थे, मुझे उसी समय ये शक हो रहा था कि इस खोल को पहनकर जो हमसे टकराया था वो कोई परग्रही नहीं था बल्कि कोई अत्याधुनिक रोबोट था। और ये शक मुझे तब हुआ जब तुमने मुझे बताया कि मुझे आकाश की ऊंचाइयों में ले जाने वाला रॉकेट उसी पद्धति से बना है जिससे पृथ्वी पर अन्य रॉकेट बनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात कर पाता, तुम पृथ्वी की रक्षा करने निकल चुके थे। तब तुम्हारे जाने के बाद मैंने साइंस लैब के वैज्ञानिकों से उस खोल का रिजल्ट जल्दी निकालने की रिक्वेस्ट की, तो परिणाम जल्द ही सामने आया। राख की जांच करने से पता चला कि वो ऐसी धातु थी जिससे अत्यधिक रोबोट तैयार किए जाते हैं। मैं समझ गया कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस समय तो ये बात पक्की हो ही गई जब बर्मान न्यायाधीशों की घोषणा सारी दुनिया में प्रसारित हुई। यह सब सुनकर मैं तुरंत ही षड्यंत्रों की परतों को खोलने में सक्रिय हो उठा और इसके लिए मैंने सबसे पहले उस कंसल बिल्डर्स को पकड़ा जिसने तुम पर बैन लगवाया था। उसने मुझे पता चला, मुझे यह सब करने के लिए रत्न डागा ने कहा था। फिर मैंने ऐसे आदमी की तलाश शुरू की जो परग्रही को जमीन पर ला सकने का एकदम वास्तविक ड्रामा रच सकता था। जल्दी ऐसे आदमी के रूप में एक नाम सामने आया, डी आर जे यानी ढूंढते रह जाओगे। अब मेरे सामने सारा षड्यंत्र शीशे की तरफ साफ साफ था। रत्न डागा डी आर जे की मदद से तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं ब्रह्मांड न्यायाधीशों और ब्रह्मांड अदालत की पोल भी खोलना चाहता था। और ऐसा करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा साधन या साइंस लैब में रखा ये खोल सबसे अच्छा साधन था साइंस लैब में रखा ये खोल चूंकि इसमें परग्रहियों के हिसाब से सारी सुविधाएं थी, इसलिए मैं इसकी सहायता से उड़ता हुआ ब्रह्मांड अदालत के यान का पीछा करता हुआ यहां आ पहुंचा। और हाँ, इस खोल में एक सेटेलाइट वीडियो कैमरा फिट करके मैं इसका भी इंतजाम करके आया हूं कि यहां पर जो हो रहा है उसे सारी दुनिया देखे। दुनिया सब कुछ देख और जान चुकी है। चलो अब तुम दोनों की किस्मत का फैसला दुनिया की अदालत में होगा। तुमने डीआरजे का सारा खेल खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डीआरजे को उसकी मर्जी के बिना कहीं भी ले जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही आज होगा। ओह डीआरजे रत्न डागा के साथ इजेक्ट हो गया। हमें उसे रोकना होगा। नहीं रोक सकते। अब तक वे गहरे अंतरिक्ष में ऐसे गायब हो गया होगा कि हम सारी उम्र उसे ढूंढते रह जाएंगे। अब तिरंगा और परमाणु के पास वापस लौटने के सिवा और चारा ही क्या था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई शानदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैंने जो ऑनलाइन एक शॉपिंग वेबसाइट बनाई है, फेसबुक पेज बनाया है, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ओके, और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, तो आप वहाँ से कैश ऑन डिलीवरी आप अपने घर पे मंगा सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट 7 दिनों के विद इन 7 डेज, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आती है तो उसको आप वापस भी कर सकते हो। ओके, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।